दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले 25 साल के युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले एक मुसलमान शख्स को कथित तौर पर मजहब की वजह से पीटा गया और धमकी दी गई कि चूड़ी बेचने हिंदुओं के इलाके में न आया करे। दरअसल में घटना रविवार 22 अगस्त गोविंद नगर के बाण गंगा इलाके की बताई जा रही है। रविवार को शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में मौजूद शख्स का नाम तस्लीम है और वो उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला है। वो अक्सर चूड़ियां बेचने के लिए इंदौर आते जाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि वह व्यक्ति हिंदू नाम रखकर चूड़ी बेचता था। मंत्री के मुताबिक चूड़ी बेचने वाले के पास दो फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। इस घटना में गुस्साए हजारों लोगों की भीड़ कोतवाली थाने के बाहर जुट गई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उसके मुताबिक एक व्यक्ति तस्लीम का बैग चेक कर रहा है और चूड़ियों को बाहर निकाल कर। कल जो बाणगंगा थाना क्षेत्र में घटना हुई जिसमें चूड़ी वाले के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी और इसके बाद वीडियो वायरल किया, उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। FIR गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है, 14 धाराएं इसमें IPC की लगाई गई हैं। इसमें FIR अज्ञात पे थी, वीडियो था पुलिस के पास में जिसमें कि पुलिस ने वीडियो को देख करके आरोपियों की पहचान कर ली है। उसमें तीन आरोपी मुख्य रूप से हैं, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। बाकी इन लोगों ने उकसाया लोगों को मारने के लिए। इन तीन आरोपियों में मुख्य आरोपियों में से दो आरोपियों की पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और एक तीसरे आरोपी की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली है। इसको पकड़ने के लिए पार्टी रवाना कर दी गई है, इसे भी बहुत जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा। बाकी जो आरोपी इसमें देख रहे हैं, मारपीट करते हुए देख रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि संयम बना करके रखें और किसी भी हालत में किसी के बहकावे में ना आए। जो पुलिस कार्रवाई बनती है, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है पुलिस कर रही है, इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।